मैडम आप भी इतनी बकवास नहीं कर सकते। नेल पेंट दियो। कहाँ गई भाई तू? भाई देता क्यों नहीं है मुझे? नेल पेंट ही हो गई। मम्मा सब हिल गया यहाँ पे। अंडर एंड खोद दे आधा कुछ नहीं मेरे पे चिल्ला रही है देखो। तेरा कॉटन लेकर आ। आय हाय ची। यार आप करने पे फोकस कीजिए ना। देखिए उनके पास वो भी नहीं है। लो बजट है ना जो नेल्स रखते हैं। अब अपनी उंगली उतार के देख सकते हो मैम? अब ये मेरे उंगलियां तोड़ेंगे नहीं वो एक्चुअली मोड़ कर रहा। उंगली उतार के दे सकते हो मैम? Way too many questions, you must think I trust you. Yeah, you searching for answers, I do not know nothing. मैंने ना मम्मी के लिए जो नेल पेंट के लिए हमने लेना था ना वो मैंने ले लिया। उसके बाद मुझे याद है कि मैंने व्लॉग नहीं बनाया। सो अब मैं आपको बता देती हूँ, मतलब हम आपको समझा देते हैं कि आज का व्लॉग क्या है। आज हम करने वाले हैं मम्मी के ऊपर नेल आर्ट और मम्मा ने सिर्फ एक्सटेंशंस लगवा ली हैं। बस मम्मा का नेल आर्ट रहता है जो कि हम करने वाले हैं और देखेंगे कि प्रभ ज्यादा अच्छा करेगा या मैं। तो मैं ही जीतने वाला हूँ क्योंकि मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी है। ये पकड़ो मैं दिखा देती हूँ कि मैं कौन से कलर की लेकर आई। दिखाओ जरा कौन से कलर आप लेके आयो। मेरे कलर लेके आयो। ओके और इस क्रीम। ओके एंड दिस ये नवैन ने मुझे मंगाया था बिकॉज़ उसको मेरा कलर अच्छा लगा था। तो ठीक है स्काई ब्लू ये ले आए और ब्रश नहीं मिले। हां क्या करें ब्रश नहीं मिले। ब्रश हम ले लेते हैं स्टेशनरी से मिलेंगे डोंट वरी। ओके लेट्स गो। सो गाइस मुबारक है हमारे न्यू सैलून में पीआर सैलून में जो सॉरी पीआर नेल आर्ट में जो हमने आज ही खोला है और हमारे जो पहले कस्टमर है वो है टीना सचदेवा। ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। हमने इन पे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी फिर हमने पैसे भी थोड़े से दिए इनको। हमारा प्यार मोहब्बत बहुत है। हम बचपन से साथ पढ़े लिखे है ना। हम 90s में ही पैदा हुए थे तो हमें पढ़े लिखे साथ में। जोक्स अपार्ट तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके मैम थैंक यू सो मच कि आप आए हमारे को बुके बुके लेके बाद में देंगे इतना भी कुछ नहीं है। उधर हो ना मेरे को पैसे कितने दोगे मैडम? ये आप कैमरे के बाद बात करना ना मैम। आप डिस्क्लोज कर दो तो फिर बाकी सारे भी सेलिब्रिटी मैम थोड़ा पीछे हो जाओ बाकी सारे सेलिब्रिटी भी मांगने आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं करते मैम हम आपको खुद से देंगे सबसे बेस्ट। अच्छा आप मुझे कोई डिजाइन नहीं दिखाएंगे? हां इतना ही रख के करा देखो मैम। मेरा दिल कितना बड़ा है। लेफ्ट है तेरा राइट है? ये कौन सा हाथ है आपका जिसे थप्पड़ खाते हो वो ये है? तो फिर लेफ्ट ही हुआ ना ये सही तो है। उसको पहले क्यों मारना है बेवकूफ चंदर ले आई हो कुछ भी नहीं है इनको रिमूवर करना। एक्चुअली ये ट्रेंड नहीं है मैं थोड़ा सा ट्रेंड हूँ जो और मेरी सब्जी सड़ जाएगी गैस बंद कर। इनका घर भी पास में ही है ना तो सब्जी भी ले ही आए उठा के। इनके तीन बच्चे हैं वो बंदरों जैसे तो उन्होंने खाना खाना तो सोचते हैं क्या फिर रात को लेट ना हो जाए। तो फिर आपके बच्चे खुद बाहर से नहीं मंगाते? मेरे बच्चे ना बहुत नलायक है कोई बात नहीं बहुत अच्छे हैं। भगवान ऐसे बच्चे किसी को ना दे सिर्फ मैं ड्राइव विश करे ट्राई करते हैं। अरे प्यून जरा शूट करते ना। हां जी जी। अरे ये कलर तो मुझे लगाना पड़े तो मैं कहां लगाऊं फिर? तो आप पहले व्हाइट लगा लो। पहले व्हाइट अलग अलग करना है क्या उसमें अलग से डिजाइन अलग? तो फिर मैं वेट करूं? अच्छा लगेगा कोई बात नहीं बाद में आप प्लीज ऐसा ही हाथ कांपते हैं वैसे ही मेरे कपड़े हुए हैं।
कपे वो वैसे हाथ ये तू ब्लू कर रही है भैया तो क्या हालत कर रहे हैं मेरे हाथ यार ये तुम अलग अलग कलर क्यों कर रहे हो भाई हमारा कंपटीशन है ना कि कौन अच्छा करेगा कंपटीशन नहीं है इनके पास नेल पेंट है क्या लो बजट साड़ी पहना दी उसने दे ओ चद्दर पे भाई चद्दर का आईडिया आपका था भाई कॉटन लेकर आ कॉटन लेकर आ हाय ची यार आप करने पे फोकस कीजिए ना देखिए चेक कीजिए बिल्कुल भी वो नहीं है हॉस्टल बाहर निकली है सारा कहां से बाहर निकला बे कॉटन रखो टिश्यू रखो क्या नालायक कॉटन प्यून कॉटन दे दो यार तुमने सैलून खोला कॉटन है नहीं भाई पास बंदा है जो वीडियो में बोला है कॉटन पकड़ा है नहीं मेरे को वो चाहिए ये नहीं वो टूट ईयरबड्स यस ओह पर कौन था किसका है भैया ने ब्रश देखो पकड़ा गाइस ब्रश कहाँ है ईयरबड है क्या हो गया तभी मैंने आपका नाम प्यून रखा है अब अपनी उंगली उठा के मैम अब ये मेरे उंगलियां तोड़ेंगे नहीं वो एक्चुअली मुड़ गया मेरा उंगली उतार के दे सकते हो मैम आप अपना हाथ तो रख सकते हो देखा क्या वो क्या उंगली तोड़ के दे दे मैंने वैसे एक एक कोट लगानी है कोट भी लगानी है मैम उसका एक कोट इतना मोटा है तो वो दूसरे कोट में तो जान ही ले लेगा उंगलियों मच्छर खा रहे हैं प्रॉब्लम ये है अरे कुछ करो मच्छरों का कैसे लो आप मैम आपने जितने पैक करे हैं ना उसमें सही ओ पैसे ना आपको मुझे देने चाहिए पता है आपको किस बात की मैं आपके सलून का वो कर रही हूँ क्या बोलते हैं प्रमोशन बोल दू खारिश करनी है मुझे यहाँ पे नहीं आगे आगे अरे आगे डंगर अरे क्यों यार हम पक्का भी चला सकते हैं नहीं मैं ये वो हो जाएगी ना मोती हो जाती है ये देखो ये हाल है पंखा भी नहीं चला रखा एसी भी नहीं चला रखा एसी चला देते हैं एसी पे टेप लगा रखी है मम्मी ने टेप एसी में टेप क्यों लगा रखी है नहीं लगा रखी पूरा पागल है बस क्लीन नहीं करके गया वो अच्छा हालत मेरी खराब कर रखी है क्या पागल है वो प्यून नौकरी से निकाल दूंगा मैं आ भी नहीं लाती हूँ नौकरी पे नवे हल्का सा पंखा चलाया मच्छर काट रहा है बाजू पे सो गाइस अब हम शुरू करने वाले हैं आर्ट और अब हम इन पे करेंगे फ्रेंच नेल पेंट तो उन्होंने इतनी खराब लगाई है ओए कपड़ा मार दूं दिखाना बताओ भाई किसकी अच्छी है बता दो भाई ब्लू कलर या स्किन कलर इसको कैसे यूज करेंगे मैं बताता हूँ कैसे यूज करेंगे नाड़ी अब ये नाड़ी हो गया मैं भी ऐसे कह रहा हूँ वैसे दर्द होने लगती है जो तुम्हें जॉब देता है तुम्हारे घर में राशन डालता है तुम्हें रोटी देता है तुम उसको ऐसे बोलोगे नाड़ी कोई नाम सुन लेती मैम हमारा पर्सनल मैटर ये देखो तमीज कह रही हमारा पर्सनल मैटर कह रहा है मैम पहले आप बनाओ ना फिर मैं बनाऊंगा तू बना पहले बनाना अरे बनो यार अगर तुम एक ही कलर से कर देते तो मम्मी को ये हटाना नहीं पड़ेगा अब एक हाथ का तो हमारे पास नहीं था ये कलर हम वेट करते बना अरे कहां से कोने से निकाल रहे तू दिखा दे आगल है मैं ठीक भाई ये ब्रश ठीक यार फॉर इंफॉर्मेशन ये वाइट पे ये चलेगा तो दिखेगा ही नहीं भाई आप ढंग से ऊपर आ जाओ या आप धंधड़े हो रखे हो तमीज नहीं है क्या ब्लू कर दो इसके ऊपर आप ब्लू कर दो इसके ऊपर इसके ऊपर ब्लू कर दो और उसके ऊपर ये वाला कलर कर दो स्किन जैसे हम वो कराते ना व्हाइट वॉश कराते हैं जो दीवार का कलर है वो चटक भी डालते कारीगर ओ मैम आपने हिला दिया खांसी से हिल गया हीटर है भाई हाथ डाल के देखो मम्मा सब हिल गया यहाँ पे
अंडरएंड खोद है आधा कुछ नहीं है, मेरे पे चिल्ला रही है देखो। ठंडा ठंडा लग रहा है आपको हाथों पे? मैम ये हाथ दिखा दो कैमरे में देखो। अरे मैम ऐसे थंब दिखाना है ना खाली। हाँ जी लो। कितनी अच्छा लग रहा है, कितनी स्मूथ, कितनी प्यारी लाइन डाली है। क्या लाइन डाली है राशि? नहीं सही क्या? नहीं नहीं बढ़िया है। आइडिया 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 क्या? मैं फ्रेंच नहीं कर रहा, मैं दूसरा स्टाइल कर रहा हूँ, ठीक है? अब स्टाइल भी अलग नहीं, अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं। मैं ना ये सुबह ना रिमूवर से क्लीन नहीं करूंगी, ये अब जब तक ये अपने आप ही उतरेगी उतरेगी। मैम अब देखो एक बार। हाँ बहुत अच्छी है ये देखो। मैम आपको एक बात बताऊं, मैम हमें ना वैसे गुस्सा मार के मुंह भी तोड़ सकती हूँ। मैम मैम मैं डर गया, आप सही कह रहे हो, हम फ्री नहीं थे। मैम एक बात बताऊं आपको, हमें ना पूरे 20 साल हो चुके हैं ये काम करते हैं। 20 साल हो गया। 20 साल मैम आपकी उम्र 19 साल है। मैम इन्होंने शुरू कर दिया जमने से पहले बेटा। हाँ जमने से पहले शुरू कर दिया था। और आपको इस लाइन में कितना टाइम हो गया? मैं तो दूसरी जिंदगी में दूसरी बार कर रहा हूँ। मैं सच बता, आपने वैसे सीखा कहीं से? नहीं मैम मैंने सीखा नहीं। आपको शर्म आती है थोड़ी सी? मैम शर्म वाली क्या बात है, आपने सीखा नहीं? मैंने पहली बार अभी थोड़ी देर पहले मेरा बॉयफ्रेंड बना हुआ था, अभी मेरा बेटा बन गया। कौन सा रिश्ता निभाना तुमने? मर्जी निभा लो। सब करते हैं माँ के साथ लड़के, और लड़का मतलब बेटा नहीं करेगा कौन करेगा? ये शक्ल देखिए इसकी फ्लर्ट वाली। यार आपने मेरा नाखून इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं। मैम अपना प्लीज लिए मत प्लीज। ये देखो इसने मेरे को लिए, ये आपके एम्प्लॉय है देखो। मैम मैंने इनको निकाल दिया काम से। क्या कर रहे हैं ये? कब निकाला तुमने मुझे? मैम आप चाहे इनको जेल करवा सकते हो। मैंने निकाल दिया, मुझे व्हाइट कलर चाहिए। मैं अभी कंप्लेन करती हूं। मैं इस पे ना आपको ना वो कर सकता हूँ। तो क्या कर दिया यार, देखिए अगर आप करते, देखिए अगर आप करते, यार मैं नहीं मारूंगा, मैं इतना अच्छा जीत रहा हूँ यार। अब मेरे को साफ करना पड़ेगा पूरा का पूरा। इसको हटा दीजिए आप। मैंने निकाल दिया काम पे, बोला तो मैं जेल। हटाइए इसको यार। मैम आपको पता है मैं ओनर हूँ, मैंने इसको रख रखा है क्योंकि मुझे आता नहीं है। तो मैडम आप भी इतनी बकवास नहीं कर सकते? नेल पेंट दियो। कहाँ गई भाई? तो भाई देता क्यों नहीं है मुझे? ये आपने जो खराब करा उस पे क्यों फोकस कर रहे हो? ये राशि ने खराब करा है, ये राशि ने खराब कर दिया तो मैंने ठीक कर दिया, ठीक है? और ये है मेरा, ओके आप देख सकते हो, ये है, ये मैंने करा है। और मम्मा का देखो राशि, ये राशि, ये द ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर का मेरा है। तो बताओ गाइस, दूर से दिखाता हूँ मेरा, अब बताओ किसका ज्यादा अच्छा लग रहा है? मेरा लग रहा है ना। थैंक यू सो मच। आपको आप बताइए, रिव्यू दीजिए मैम। बहुत अच्छा किया है लाइफ में, मैंने कभी भी ऐसे नेल आर्ट्स नहीं कराए जितना प्यारा इन बच्चों ने किया है। इनका 20 साल का एक्सपीरियंस, जबकि 19 साल के हैं, अच्छा। लेकिन इनका 20 साल का एक्सपीरियंस बहुत रंग लाया है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ आपके काम से। थैंक यू। मैं और भी कस्टमर को कहूँगी कि वो कभी ना आए, सिर्फ मैं ही करा लूँ बोलते। ये टेक हम नहीं डालेंगे, कोई बात नहीं, ड्रॉप कर देना, ठीक है? और
बाकी कमर्शियल हम बाद में बैक कैमरे में डिसाइड कर लेंगे, ठीक है मैम। वैसे हमने जितनी मेहनत करी ना आपको हम पैसे। सो गाइस कैसा लगा आज का ब्लॉग, लाइक शेयर मैं जरूर बताना। पीआर नेल्स और मेरे पैसे कब मिलेंगे बोला तो बैक कैमरा लगा रहा मांगा ना फिर बात करेंगे। सो गाइस कैसा लगा आज का ब्लॉग, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, हिट द सब्सक्राइब बटन और पीयून के लिए एक बार पूरा कर दीजिए। ओके सो गाइस अगर आप हमारे कस्टमर बनना चाहते हैं तो हम बहुत जल्दी गिव अवे भी करने वाले हैं और क्या बोलते हैं नील आर्ट्स वाले, और मैं भी गिव अवे करने वाला हूं। बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग ना नए नए स्कीम्स ले आएंगे, 300 में नेल्स, 400 में नेल्स, तो आप आके फ्री में ना करें। आप मेरे नेल्स का हाल देख सकते हैं, अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, हम फ्री में भी करने के लिए रेडी है, फ्री में करेंगे, फ्री में कर देंगे। ओके गाइस आज का हम इतना ही खत्म करते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।